पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार शान शाहिद ने जल्द ही नई फिल्म पेश करने का अंतिया दे दिया और फिल्म का नाम भी बता दिया। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शान शाहिद का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें इन्हें अपनी आने वाली फिल्मों के हवाले से बात करते हुए देखा जा सकता है। वायरल होने वाली क्लिप में अदाकार को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इन्होंने अपनी दो फिल्मों में से एक का स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लिया है। एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम रेड एंड वाइट एंड ग्रीन है, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। अदाकार ने बताया था कि रेड वाइट एंड ग्रीन की कहानी अमरीकी खुफिया इदारे CIA के एजेंट और पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI के एजेंट के गिर्द घूमती है, तहम इन्होंने मजीद कोई वजाहत नहीं की थी। सोशल मीडिया पर अदाकार का वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस ने दावा किया कि शान शाहिद की आने वाली नई फिल्म में मरकजी किरदार माया नाज अदाकारा हुमायमा मलिक अदा करेंगी। सोशल मीडिया पर गर्दिश होने वाली इन खबरों ने जल्द ही अदाकार आगा अली की तवज्जो हासिल कर ली। आगा अली ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों को अपनी इंस्टा स्टोरी में रीशेयर किया। इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए शान शाहिद की फिल्म और हुमायमा मलिक को स्क्रीन पर देखने के लिए खुशी का इजहार भी किया, जिस पर अदाकारा हुमायमा मलिक ने इंस्टा स्टोरी रीशेयर करके इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनके लिए हीरो के अल्फाज इस्तेमाल किए, जो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि फिल्म के हीरो आगा अली हो सकते हैं। ख्याल रहे कि रेड वाइट एंड ग्रीन के जरिए तकरीबन 3 साल बाद अदाकारा हुमायमा मलिक बड़े पर्दे पर एक्शन में दिखाई देंगी।